Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन एक ऐसा नाम है जिसके लाखों फैन हैं। ऐसे में उन्होंने न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी खूब नाम कमाया है और बॉलीवुड के सुपरस्टार माने जाने वाले अमिताभ बच्चन ने आज तक जितनी शोहरत कमाई है उतना ही पैसा भी कमाया। जी हाँ, वही आज अमिताभ बच्चन की मेहनत का यह नतीजा है कि बच्चन परिवार की गिनती देश के अरबपतियों में होती है और वह खूब अमीर माने जाते हैं। पर आज हम आपको उनके परिवार के एक ऐसे सदस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जो दाने दाने को मोहताज है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि अमिताभ बच्चन तो इतने अमीर हैं तो उनका परिवार कैसे गरीब हो सकता है, लेकिन जिनके बारे में हम बताने जा रहे हैं उनके बारे में जानकर आपके होश उड़ सकते हैं। आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन की सगी बुआ के बेटे अनूप रामचंद्र की। अनूप रामचंद्र से बच्चन परिवार का खास रिश्ता है। इसके बावजूद रामचंद्र आज गरीबी में जीने के लिए मजबूर है। अमिताभ और अनूप के बीच दूरी की मुख्य वजह एक जमीन को लेकर विवाद है। अमिताभ बच्चन की बुआ के बेटे अनूप रामचंद्र का परिवार पहले थोड़े पैसे वाला हुआ करता था, लेकिन वक्त की मार ने उन्हें पाए पाए का मोहताज कर दिया। अमिताभ और अनूप के बीच की दूरियां एक जमीन को लेकर है। इन दोनों के रिश्ते में एक पुश्तैनी जमीन ने खटास भर रखी है और यही कारण है जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन अनूप और उनके परिवार से दूर रहना ही पसंद करते हैं। अनूप रामचंद्र को अभिषेक की शादी में निमंत्रित किया गया था, लेकिन वो ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी में शरीक नहीं हुए। उन्होंने इसके पीछे की वजह बताई कि उनके पास पैसों की बेहद तंगी थी, जिस कारण ना तो वह कोई तोहफा खरीदने की औकात रखते थे और ना ही महंगे कपड़े पहनकर उनकी शादी में उपस्थित होने की। अनूप का कहना है कि वो इस तरह अभिषेक की शादी में शरीक नहीं होना चाहते थे जिसके कारण बच्चन परिवार या उनके किसी सदस्य का अपमान हो। अमिताभ के परिवार का एक हिस्सा अनूप और उनकी पत्नी मृदुला अमिताभ बच्चन के ही मकान में रहते हैं। अनूप के मुताबिक यह मकान पुश्तैनी है, जिसे लेकर अमिताभ और अनूप के बीच कुछ विवाद है। हालांकि अमिताभ ने अनूप के परिवार से दूरी क्यों बना रखी है इसका कारण स्पष्ट नहीं है। फिर भी कुछ लोग इसके पीछे अनूप की अमिताभ से एक मांग को बताते हैं, जो कि इस पुश्तैनी जमीन को एक म्यूजियम बनाकर हरिवंश राय बच्चन की यादें रखे जाने से जुड़ा है।